वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज आप लोगों की बेहद फरमाइश पर झटपट बनने वाला ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो चले सबसे पहले हमारे पास यहाँ एक कप मैदा है, हम इसको सिफ्ट कर लेंगे, छान लेंगे। तो ये सिफ्टर में हम डाल देते हैं। छन्नी भी आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह का, ताकि इसमें क्या लाइट हो जाए, एरी हो जाए। तो ये एक कप मैदा लेवल्ड है और इसमें साथ ही हम डालेंगे एक कप शक्कर। अगर आप पाउडर शुगर यूज़ करते हैं तो वो ले लें, मेरी जो है ग्रैन्यूलेटेड ही है लेकिन बारीक होती है हमारे यहाँ, तो वो डाल देंगे। और साथ ही हम डाल देंगे इसमें एक टीस्पून बेकिंग सोडा यानी मीठा वाला सोडा, एक टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून नमक और इसको सिफ्ट करना शुरू करते हैं। ये जोई का फेवरेट काम है, जब भी मैं कुछ बेक करती हूँ कहती है दानी मैं कर दूँ सिर्फ मैं कर दूँ। चले साथ ही इसमें डाल देंगे 1/3 कप कोको पाउडर। आप पहले से डाल सकते हैं, अगर छन्नी में जगह है तो डाल दें। चले देखिए ये अच्छे से हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और अब इसको हम थोड़ा सा स्पैचुला से मिला देते हैं। तो ये देखिए हमारा केक मिक्स बन गया। अगर आपको कभी भी बना के एडवांस में रखना हो तब आप रख सकते हैं 8x8 कंटेनर में। अब इसमें हम डालेंगे अपने वेट इंग्रेडिएंट्स। तो रूम टेम्परेचर हम अंडे डालेंगे, अंडे को थोड़ा सा फेंट लेंगे विस्क से, बस इतना। और अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप नॉर्मल जो फुल क्रीम मिल्क होता है ना वो डालेंगे। ये मलाई थोड़ी सी इसलिए आ गई थी कि मैंने निकाल के रखा हुआ था, फ्रिज में ठंडा था ना, तो मैंने माइक्रोवेव में इतना गर्म किया कि रूम टेम्परेचर हो जाए। अब इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून वेनिला, 1/4 कप तेल, कोई सा भी तेल डाल सकते हैं लेकिन वो नहीं डाल सकते सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, वो तो एक उनकी खास फ्रेग्रेंस है ना, कोई सा भी ऑयल, मेरा ऑलिव ऑयल है 4 टेबलस्पून। चलें इनको मिक्स करेंगे। इतना सिंपल है और इतना ही ख़तरनाक इसका रिजल्ट है, आप लोग खुश हो जाएंगे। चलें अब ज़रा हम स्पैचुला की हेल्प ले लेते हैं। देखा कोई मशीनरी नहीं यूज़ हो रही है, सिंपली वे में आप बनाएंगे और बड़ा अच्छा सा बन जाएगा। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब चॉकलेट केक को ज़बरदस्त इन्हेंस करने के लिए, चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए इसमें हम डालेंगे कॉफ़ी। तो ये देखिए हमारे पास है 1/3 कप बॉइलिंग वाटर, इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी, इससे बड़ा रिच सा हो जाएगा और मज़ीद फ्लेवर अच्छा हो जाएगा इसका। अब इसको हम इसमें शामिल कर देंगे बैटर में, इसको मिला लेंगे। ऐसी शानदार खुशबुएं आ रही है कॉफ़ी के जाने के बाद, ऐसा लग रहा है वो जो महावरा है ना, वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी, ऐसा लग रहा है वेक अप हो गई मैं और। चलिए देखिए कितना शाइनी शाइनी, कितना अच्छा सा बैटर हो गया, कंसिस्टेंसी भी देखिए कितनी अच्छी सी हो गई है, ये देखें इस तरह से। अब इसमें लास्ट चीज़ जाएगी सिरका, इसको लाइट वेटेड एंड एरी बनाने के लिए 1 टेबलस्पून प्लेन सिरका लिया है वो डाल देंगे। देखें इसका कंसिस्टेंसी चेंज हो जाएगी और फ्लफी सा हो जाएगा। बेसिकली ये एक रिएक्शन हो रहा है, जो हमने एक्शन लिया था ना इसका, अब ये रिएक्शन है।
तो बेसिकली जो हमने सोडास डाले थे ना, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, तो विनेगर डालने से उसने रिएक्ट किया है। चले ये रेडी हो गया हमारा। और अब जिस केक पैन में हमें बनाना है उसको हम या तो घी से या तेल से या किसी चीज़ से भी ग्रीस कर सकते हैं। और ये ठंडा बटर जो है वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं डालना पड़ता है और वो चिपक ज़्यादा जाता है। तो ये देखें, ये डाल देते हैं इस तरह से, साइड में भी लगाएंगे इसलिए कि जो राइस होता है ना तो उसको हेल्प मिलती है। और अगर आप चाहें तो वो जैसे घी लगाते हैं या तेल लगाते हैं तो ऊपर जो आटा डस्ट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। और आटा जैसे कभी कभी क्या होता है, चॉकलेट केक होता है ना, उसमें आटा डस्ट करने से एक वाइट लेयर आ जाती है, तब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें कोको पाउडर डस्ट कर लें तो वो कलर क्या है वो ही रहेगा। और एक ऑप्शन ये भी है कि आप इसमें अब वैक्स पेपर लगा दें, तो मैं ये लगा देती हूँ और इसके ऊपर भी थोड़ा लगा लेंगे। तो बस ये हो गया। अब इसमें हम बैटर डालते हैं। हमारा ओवन जो है प्री हीटेड हो रहा है सेल्सियस में 175 डिग्री और फ़ारेनहाइट में 350। और अगर चूल्हे वाले जो है वो चूल्हे में बनाना चाहें तो पतीला जो है ना वो 10 मिनट पहले प्री हीट कर लें मीडियम हाई पे, और उसके बाद जब ये हम जैसे ओवन में रखेंगे ना तो वो जब अंदर डालेंगे तो मीडियम टू मीडियम लो पे कर दें। चलिए ये हो गया। अब इसको हल्का सा बस टैप कर लेंगे और ओवन की तरफ चलते हैं। तो चलें मिलते हैं 30 मिनट्स में। देखें बिल्कुल क्लीन है, तो ओवन को ऑफ करते हैं और निकाल लेते हैं। चले इसको 10 मिनट के लिए किसी भी वायर रैक पे बर्तन समेत ही ठंडा होने देते हैं। तो मिलते हैं 10 मिनट में। देखें 10-15 मिनट हो गए हैं। अब केक को हम निकालते हैं और डायरेक्ट जाली पर रखते हैं। तो ये मेरा जो है पैन इस तरह से खुलने वाला है। अगर आपका ना हो तो आसपास से जैसे छुरी लगा के निकालते हैं ऐसे आपको निकाल लेना है। अब ये निकाल लेंगे पेपर भी और कुछ देर इसको डायरेक्ट रखेंगे ठंडा होने के लिए। देखा इतना स्पंजी लग रहा है, इतना सॉफ्ट सॉफ्ट मज़ेदार सा। चले अब देखें ब्लैक फॉरेस्ट केक में चेरीज़ का इस्तेमाल होना ज़रूरी है। अब आप फ्रेश अगर सीज़न में है मिलती है तो फ्रेश यूज़ कर सकते हैं, मैरिशिनो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमें जो डेकोरेशन के लिए चाहिए ना टॉप पे वो भी काट के डाली जा सकती है। और अगर आपके यहाँ फ्रोज़न अवेलेबल है तो वो भी ली जा सकती है। मुझे फ्रोज़न ज़्यादा अच्छी लगती है फ्रेश से भी ज़्यादा, क्योंकि वो बड़ी सॉफ्ट सी हो गई होती है। तो मेरे यहाँ अवेलेबल थी तो मैंने ले लिया। तो ये देखें हमारे पास यहाँ एक कप से थोड़ी सी ज़्यादा चेरीज़ है। मुझे चेरीज़ की वजह से ब्लैक फॉरेस्ट केक बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ। तो चले इसको हम चॉप कर लेते हैं। ये होल है और पिटेड है तो ये इससे हाथ बहुत गंदे हो जाएंगे, तो हम ग्लव्स पहन लेते हैं। जोई को और आना को ये बड़ा फ्रोज़न खाने में मज़ा आता है। एक ज़माने में पता है ब्लैक फॉरेस्ट केक मेरा फेवरेट होता था, इतना कि हर एनिवर्सरीज एंड बर्थडे पे स्पेशली मेरे लिए यही आता था। और अब ऐसा है कि वक्त के साथ साथ हर चीज़ ही अच्छी लगती है, कोई ख़ास बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। चले तो इसको हम चॉप कर लेते हैं, थोड़ा सा निकालते हैं कटिंग बोर्ड पर और चॉप करते जाते हैं। खाने में ये बड़ी मज़े की होती है। चले सारी डाल देते हैं। चले ये अच्छे से हो गई और अब इसको हम दोबारा अपने बोल में डालते हैं। चले अब ग्लव्स निकाल लेते हैं और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून शक्कर और मिला लेंगे।
चले ये रेडी हो गया हमारा चेरी का पोर्शन, और अब इसको ज़रा मैस को क्लीन करते हैं, मिलते हैं एक मिनट में। देखिए सब क्लीन अप हो गया और अब हम आ जाते हैं चॉकलेट पे। तो ये देखिए मैंने थोड़ी सी शेव करके रखी है, ये पोटैटो पीलर होता है ना, उससे बेस्ट रिजल्ट आता है। तो बस कोई भी आपके पास मिल्क चॉकलेट हो, कोई भी हो, वो इस तरह से ये देखें यूँ ग्रेट करेंगे। इसमें स्पाइरल्स की ज़रूरत नहीं है, वरना हम ये कट कट वाली चॉकलेट लेते ही नहीं। इसमें इसी तरह के हमें चाहिए जो अभी हम कर रहे हैं। अब ये अगेन आप पे है कि थोड़ा थोड़ा डालना है, ज़्यादा ज़्यादा डालना है। एक बड़ी बार ले लें और उसके बाद शेव करें, डिसाइड कर लें आपको कितना डालना है। तो बस ये मैं थोड़ी सी और कर लेती हूँ, बाकी तो करके रखी थी। चले मेरे ख्याल में आता कि ये नफ हो गई है, अब हम केक की तरफ चलते हैं। केक भी ठंडा हो गया और उसके हम स्लाइस करेंगे। अब देखें हमारा केक जो है वो 1 इंच का है, तो अब इसे हमें आधा काटना है। तो आधा इंच के लिए निकालने के लिए हमें ये हम रखेंगे स्केल, और आधा इंच पे हम ये टूथपिक लगाएंगे, ये देखें इस तरह से। तो इस तरह चारों तरफ हमें आधा इंच पे टूथपिक लगा लेनी है। बस अब स्लाइस कर लेंगे, टूथपिक के ऊपर रखेंगे और आराम आराम से करते जाएंगे। सेरेटेड नाइफ होगा तो ज़्यादा इजी रहेगा, अच्छी शार्प सी हो। बस देखिए कटिंग बोर्ड को मैं घुमाती जा रही हूँ, आप भी कोई प्लेट हो या कोई भी हो उसको घुमाते जाएं, आप पे काटते जाएं हल्का हल्का। हो गया, अब जिस प्लेट में सजाना है वो ले आएंगे और उसी में रख देंगे। तो ये वाला पोर्शन जो है ना ये नीचे जाएगा। तो चले उठाते हैं इसको, बहुत सॉफ्ट सा है, ख्याल रखिएगा। ये देखें इस तरह से। अच्छा अब क्या करेंगे, जो हम मैरिशिनो चेरी जो का जार लेते हैं ना, उसमें तो वो जो आता है ना उसकी चाशनी या सिरप जो है, तो वो ही इसको हम यूज़ करेंगे और इसको हम गीला करेंगे। देखिए कितना प्यासा है, और यही की है हमारा केक ऐसा बनना चाहिए कि ये सारा जो है वो जूस वो सोक कर ले। बहुत गीला नहीं करना है लेकिन हर जगह डाल देना है। चले इस पे हो गया, अब इसके अनदर पार्ट को, इसके साथी को जिनसे मिल के हम बेहतरीन केक खाएंगे, उन्हें भी फरामोश तो नहीं कर सकते ना। ये भी अच्छे से सोक हो गया और अब ये दोनों रेडी हो गए हैं। हम जल्दी से अब क्रीम को व्हिप करेंगे। देखें मैं स्टैंड मिक्सर में जो है वो क्रीम को व्हिप कर रही हूँ, ये हरगिज़ हरगिज़ ज़रूरी नहीं है। अगर आप में जान है, हिम्मत है, तो आप तो विस्क से भी कर लेंगे, बड़े इजीली हो जाएगा। बाकी हैंड मिक्सर से भी कर सकते हैं, जिससे केक बनाते हैं ना, बड़े इजीली हो जाता है। तो देखें यहाँ ठंडा ठंडा हमारे पास व्हिप क्रीम है जो कि है 2.5 कप, हम डाल देते हैं इसमें। ठंडा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको बीट करना शुरू करते हैं। चले देखें थोड़ा और थिक हो गया है, तब इसमें हम डाल देंगे पाउडर शुगर। अब इसमें आप चाहें तो आधा कप डाल दें, 1 कप डाल दें, मीठे पे भी डिपेंड है कि आपको कितना खाना है। मैंने 1 कप पाउडर शुगर लिए, ये डाल देते हैं इसमें, और 1 टीस्पून वैनिला डालेंगे। दोबारा बीट करेंगे। चले चेक करते हैं। ये देखें ये जिस तरह से गुच्छे की तरह आ गया है ना, तो ये बिल्कुल सही है। और ये व्हिप होने में लगा होगा कोई 3 से 4 मिनट्स लगे होंगे। कुछ तो हमने ऊपर डेकोरेट करना है, तो पाइपिंग बैग हमें चाहिए ना, तो मैं पाइपिंग बैग के बजाय ये यूज़ कर रही हूँ। ये बड़ा इजी सा है, सिलिकॉन का है, और यहाँ देखिए स्टार वाली टिप भी लगी हुई है। तो ये इसका बेसिकली ये जो पेट है इसको खोलेंगे और इसमें हम ये एडवांस में ही डाल देंगे। चले ये हमने थोड़ा बहुत डाल दिया, बहुत ज़्यादा तो ऊपर डेकोरेट करना नहीं होता है, और इसको हम बंद कर देंगे। ये देखें इस तरह।
देखिए वंस अगेन क्लीन अप भी हो गया, सेटअप भी हो गया। अब हम टर्न टेबल पे अपनी प्लेट रखते हैं। टर्न टेबल होना ज़रूरी नहीं है, देखा आपने मैंने केक किस तरह से काटा था, इस तरह भी किया जा सकता है। और पोर्टेबल एक छोटा सा आता है मैरी गो राउंड टाइप का, वो भी यूज़ किया जा सकता है। और कुछ ना होगा तब भी बड़ा बेहतरीन ही बनेगा। तो चलें इस पर अब हम व्हिप क्रीम डालते हैं। हर तरफ थोड़ी थोड़ी डाल देंगे, फिर हम स्प्रेड करेंगे। अब व्हिप क्रीम जो है, मैंने जैसे 2.5 कप ली, आप चाहे तो कम ले लें, ज़्यादा ले लें, आपको कितनी क्वांटिटी में डालना है उस पर डिपेंड है। लेकिन इसमें लेयर होती है ज़्यादा तो अच्छा लगता है। तो चले अब इसको हम स्प्रेड करते हैं। हमारे रूबी के किचन के व्यूवर्स ने कहा कि मैंने अपनी मॉम से कहा कि मैं आपको बर्थडे में क्या दूँ, तो उन्होंने कहा कि भाई रूबी के किचन का केक चाहिए मुझे। चलो आप लोग सबके लिए मेरी ढेरों दुआएं, बहुत प्यार है। जिस दिन की मम्मियों की बर्थडेज है, सब खुश रहें, मज़े से रहें, छप्पर फाड़ के। पापाओं की बर्थडे हो तो ओह हाँ, पापाज आर वेरी स्पेशल। लेकिन ये तो मम्मी का जिक्र हुआ इसलिए मैंने कहा, ये देखा पापा ने कैसा कहा। चले ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने चेरीज जो है काटी थी तो उसको डालेंगे। ये मेरा मोस्ट फेवरेट थिंग है केक में, तो इसको स्प्रेड कर लेंगे। अब ये देखिए कम भी डाली जा सकती है, ज़्यादा भी डाली जा सकती है, कम्प्लीटली आप पे है। क्रीम भी आप पर है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे करें। अब जो हमने चॉकलेट ग्रेट किया था ना, वो डालेंगे थोड़ा सा। चलिए ये अच्छे से हो गया। अब ये वाली जो हमारी लेयर हमने जिसको जूसेस पिलाए हुए थे, इसको ऊपर डालेंगे। और इसके साथ भी सेम सुलूक रखेंगे। इस पे भी हम डालेंगे क्रीम। चले इसको स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड करते करते साइड में लेके आएंगे, इसकी वजह है कि हमें साइड में भी करना है ना। मुझे लगता है इस केक के हिसाब से ये स्मूथ इनफ हो गया है, क्योंकि ये केक की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा स्मूथ करने की नहीं है। तो बस जब आपको भी लगे कि ये अच्छा सा हो गया है, तब बस अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम डालेंगे सेंटर में चॉकलेट। अब आपकी मर्ज़ी है, कम डालें, ज़्यादा डालें, जितना आपका दिल चाहता है डालें। और आप साइड में थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। तो बस ये देखें इस तरह से थोड़ा थोड़ा चिपकाते जाएंगे। इसीलिए देखिए हमने सर्विंग प्लेट में ही सजाना शुरू किया था, ताकि वो जो नीचे जो गिरेगा वो अगर आप चाहें तो निकाल के दोबारा डाल दें, और अगर ना चाहें तो वो भी एक क्या पार्ट ऑफ केक हो जाएगा। तो ये देखिए जितना हमने हाथों से करना था कर लिया। और अब क्या करेंगे, स्पैचुला से ये देखें इस तरह से यूं चिपका सकते हैं। चले हो गया। और अब छोटे छोटे फूल बना लेंगे, जो कि खासियत है ब्लैक फॉरेस्ट केक की। चले ये हो गया। और अब इस पर हम डेकोरेट करेंगे चेरीज। चेरीज को मैंने थोड़ा सा रिंस कर दिया है, क्योंकि उसमें से जो लिक्विड आता है ना पिंक पिंक, तो वो थोड़ा ख़राब कर देता है। तो बस सबसे पहले सेंटर में एक लगा देंगे। तो चले इसे फ्रिज में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये 1 घंटा हो गया। वैसे आप लोग जो है ज़्यादा रखिएगा, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैंने 1 घंटा रखा। तो चले जिस जिस की मम्मीज डैडीज बच्चा सबका, किसी की भी बर्थडे है, दादा दादी नाना नानी, आज मैं सबका सेलिब्रेट कर लेती हूँ।
देखा, अब अगर आप चाहें तो इसको डबल लेयर बनाएं, ट्रिपल लेयर बनाएं, फोर लेयर बनाएं। बस ये एक एग्जांपल है जो एक मुनासिब सा बिल्कुल परफेक्ट साइज का केक है। अब जितने भी आपको लेयर्स बनाने हो बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिज में रखें, जैसे 6 से 8 घंटे, तो रिज़ल्ट बेस्ट आएगा। तो चलिए फिर ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। कातिलाना खतरनाक, इस कदर सॉफ्ट केक है, बिल्कुल सही जो है व्हिपिंग क्रीम में जो शुगर है वो है, और जो हमने अंदर जो चेरीज दी है, ओहो चॉकलेट के साथ चेरी ऑन टॉप। चलिए एक आप लोगों के लिए बनता है। बनाना बनता है, खतरनाक, माइंड ब्लोइंग। किस्तों में बना लें, केक बना के पहले रख लें, उसके बाद व्हिप क्रीम जो है वो व्हिप करके रख दें और फिर बस असेंबल कर लें, यूँ बनेगा। और पतीले वाले बस मेक श्योर करें टूथपिक 30 मिनट के बाद इंसर्ट करें, अगर ऐसा लगता है तो 5 मिनट्स और रख लें, और बार बार खोल के नहीं देखें, सेम रिजल्ट आएगा पतीले में भी। तो चले जल्दी जल्दी जाएँ, बनाएँ, खूब मज़े करें, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी कातिलाना खतरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।